दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही? अचानक से उठने पर रेखा के सर में जोर का दर्द उठा, पूरा शरीर टूट रहा था। सुनने पर उसे लगा शायद बुखार है, फिर भी कोशिश करते हुए वह रसोई तक पहुंची। देखा उसकी सास मालती जी पूरी बना रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी का भाव देखते हुए रेखा ने कहा, लाइए माँ मैं बना दूँ। अब क्या बनाएगी, सब तो बन ही गया है। माँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। तुम सोती रहो, तुम्हारे भरोसे रहता तो आज भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता। वो तो अच्छा है माँ, कुछ दिनों के लिए माँ हमारे साथ रहने आ गई, नहीं तो रेखा को अपनी सास की बातों से इतना दुख नहीं पहुँचा जितना अपने पति रमेश की बातों से। रेखा अपने पति के साथ शहर में रहती थी, उनका एक छोटा दूध मुआ बच्चा था। उसको देखने के लिए उसकी सास मालती जी शहर आई थी। बहू की तीमारदारी ना करनी पड़े इसलिए मालती जी डिलीवरी के समय आई नहीं थी और रेखा की डिलीवरी के समय उसके पति ने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा था। बाकी उसके मायके वाले कुछ दिन के लिए आ गए थे कमरे में। आपको मैंने कल रात में बताया था तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, पर रमेश अनसुना करके चला गया। बच्चे को दूध पिलाने के बाद रेखा रसोई में आ गई। अब खड़ी रहोगी या कुछ साथ भी चलाएगी? रेखा ने रसोई घर में रखे बर्तन को देखा, सीख में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। मालती जी ने आलू की सूखी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ बनाई थी, उनके बेटे को बहुत पसंद है शायद इसलिए। पर रेखा की खराब तबीयत के बारे में पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा। रेखा ने मेडिसिन खाकर बुखार में ही घर के सारे काम किए। उसके ससुर जी को हल्का नाश्ता पसंद था, उनके लिए नाश्ता और अलग खाना बनता था। मालती जी को सटर पटर खाने का आदत था, आए दिन कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी। रेखा का बच्चा अभी बहुत छोटा था, उसका भी ध्यान वह खुद रखती थी। मालती जी अपने पोते का भी कोई काम नहीं किया करती थी। अरे ठीक से मालिश कर दे, खड़िया कितनी कमजोर हैं। रेखा के मन में आया कि कह दे आप ही कर दीजिए, पर वह जानती थी यही जवाब आएगा अपने बच्चों का कि अब क्या बच्चों के बच्चा बच्चे का भी करेंगे। बहरहाल रेखा ने उसी हालत में जैसे तैसे काम किया। शाम होते होते उसका बुखार और बढ़ गया, वह बुखार में कराहने लगी थी। उस रह रह कर मम्मी पापा की याद आने लगी, कैसे उसे थोड़ा बहुत भी बुखार हो जाता था तो घर के सारे लोग उसकी देखभाल में लग जाते थे। यहाँ तक कि छोटी सी सीट पर भी मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। मम्मी कितना कहती थी इतना लाड़ प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, काम करने के आदत डाल पर मैं ये कहकर भाग जाया करती थी। मम्मी मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद हो, अब अपनी पसंद का आप तो दूसरों की पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी पसंद भूल चुकी हो, कहकर रेखा की आंखों में आंसू उतर आए। खुद को बहलाते हुए अपने मन को समझाते हुए यही कहती है, तब का समय अलग था, फिर भी समय तो बीत जाता है पर यादें ही साथ रह जाती हैं। ये देखभाल तो दूर कोई तबीयत पूछना भी नहीं था,
ऐसे ही यादों में खोई रेखा की आंख लग जाती है। शाम को मालती जी साई का इंतजार करती थक गई। तब अपनी बहू के कमरे में जाकर जाका बहू बेसुसी पड़ी हुई है और छोटा सा उनका पोता सुसु करके किला पर कुन मुना रहा है। हद होती है आलस और काम सोरी की, मेरा पोता रो रहा है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। बहू ओ बहू उठ। पर रेखा का बुखार बहुत बढ़ गया था, वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। मालती जी को लगा कुछ गड़बड़े, माता सुखर देखा आग जैसा तप रहा था। आनंद फानन में बेटे को फोन किया, डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर इनका बुखार कम नहीं होता तो इनको दौरे भी आ सकते थे और कमजोरी भी। बहुत है क्या इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही। डॉक्टर की बात सुनकर रेखा का पति शक पका गया, जैसे कोई सोरी पकड़ी गई हो। सुबह ही तो रेखा मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुनने बिना सला गया। वो शर्म आनी सही है मुझे, जो पत्नी मेरे सुख के दिन रात एक कर देती है उसका मैं हाल साल पूछना फिर जरूरी नहीं समझता। देखिए अभी इनको एक सप्ताह आराम की संत जरूरत है जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद मालती देवी का बड़बड़ाना शुरू हो गया, लो बहू के खिदमत करो, इससे अच्छा तो मैं गांव चली जाती हूँ। सुन बेटा मेरा टिकट करा दे, बस करो माँ। रेखा ने क्या आपकी सेवा में कभी कमी रखी है क्या? आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको जरूरत हो तो उसका ध्यान रखे। गलती तो मेरी है माँ, जब मैं ही ध्यान नहीं दे पाया तो वो सबकी जरूरतों का ध्यान रखती है और मैं उसकी जरूरतों का ध्यान नहीं रख पाया, ना ही कभी उसकी पसंद ना पसंद जान पाया। मालती जी को 2-4 दिनों में ही बहू की कदर पहचान में आ गई जब सारे काम उनके सर पर पड़े। इधर रेखा को जब थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा तो उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। अरे रेखा कमरे से बाहर क्यों आई? अभी तुम्हें आराम करना है। हाँ हाँ बहू पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब करना, तबीयत खराब में काम करने की जरूरत नहीं। मुझे माफ़ कर दे, तेरी तकलीफ में समझ नहीं पाई। मालती जी अब अपनी बहू के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार करने लगी। रेखा भी अपने पति और अपनी सास के अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी।